फ्रेंड्स, अब तक तो आपने देखा था बाकी बाइकों के अंदर डिस्प्ले हमारी, और अब आपको दिखाएंगे कावासाकी Z900 के अंदर कि इसके अंदर भी आपकी डिस्प्ले लगने वाली है, किस तरीके से फिट हो रही है, कैमरा वगैरह कहाँ लगेंगे, बहुत सारी लुक चेकआउट करूँगा आपको कि कहाँ पर और इसकी फिटमेंट होने वाली है। ये देखो, ये अपनी है Z900 और इसके अंदर फिटमेंट है वो आपकी कर दी गई है फ्रंट में मीटर के अपोजिट ही, जो कि फिटमेंट आपके हैंडल के अंदर होती है, देख सकते हैं क्योंकि इसमें GPS माउंट नहीं लगता है, तो इसलिए इसकी डिस्प्ले यहाँ लगी हुई है और इसे लगाने के बाद कैमरे वगैरह यूजिंग हो जाएगा इसके अंदर, और साथ में ना कैमरे के साथ साथ में GPS वगैरह ऑन करके जो मोबाइल होल्डर लगता है ना उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, ये लग चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर GPS ऑन कहीं भी निकल सकते हैं किसी भी इजी राइड पर, और देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग वगैरह सारी टैंक के अंदर से दी गई है इसकी, और ये देखिए ये भी फिट करेंगे सीधे कपलर टू कपलर। इधर देखिए फिटमेंट अभी इसकी चालू है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी इंटरनल फिटिंग है जो आप देख सकते हैं, ये आपकी निकल रही है कुछ यहाँ से, और इसके बाद जो कैमरास वगैरह लगेंगे, देखिए एक कैमरा आपका ये रहा जो कि बैक साइड में निकाल दिया गया है, अभी इसको करेंगे फिट पूरा, फिर फिटमेंट करके दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ होने वाली है, और एक कैमरा लगने वाला है इसमें इस तरफ लगेगा कैमरा, क्योंकि जब इधर लगेगा तभी इसकी लुक जो आएगी ना वो पूरी फ्रंट में शो ऑफ होगी कि फ्रंट के अंदर इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या इसमें देखने वाला है, क्योंकि जब तक कैमरा आगे और पीछे पूरा विजिबल ना हो तब तक इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो करते हैं इसको कंप्लीट और फिर दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर कैसे वर्क करती है इस Z900 के अंदर अपनी कारप्ले डिस्प्ले। ये देखो, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको इसके अंदर स्क्रीन जो कि हमने एंड्रॉयड कारप्ले इसके अंदर लगा दी गई है, ये देख सकते हैं इसकी लुक कैसे है, स्टार्ट करते हैं चाबी ऑन करते हैं, सीधा इसमें S2 चलने नहीं उड़ रही है, और 000 इसका वो होता है लॉक कोड, और ये आपका कारप्ले ऑन हो जाता है इसके अंदर फ़ोन कनेक्ट करने के बाद, और उसके बाद अगर वो सेटअप देखा जाए ये आपके जितनी भी रिकॉर्डिंग हो सारी इसके रिकॉर्ड हो जाती है, ये आपका हो जाता है ऐप्स जो भी इसके ऐप्स होती हैं, और ये देखो ये आपका हो गया बैक कैमरा, ये देखिए ये भी बैक कैमरा है जो कि आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से, और फ्रंट कैमरा करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रंट कैमरा, ये हो गया फ्रंट कैमरा, सेटिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो जैसे मर्जी जैसे आपको सेट करना है, और इसमें ना पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है आपकी, आपको इंस्टा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्रंट और रियर दोनों ही आपका इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारी इसके अंदर प्लेबैक वगैरह सेटअप वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर, फोटो शोटो कुछ भी आप इसके अंदर लिख कर सकते हो जो आप चाहो, क्योंकि इस समझ इसे लगाने का ना GPS वगैरह कुछ भी ऑन करना तो ईजीली GPS भी ऑन हो जाएगा आपका, और कहीं भी किसी भी राइड पर निकलना चाहो तो ईजीली आप निकल भी सकते हो किसी राइड पर, क्योंकि ये आपका पूरा काम करता है मोबाइल का, ये आपका एक तरीके से मोबाइल है उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया आपका, और ये भी डिटैचेबल होता है, इसको लूज़ करके इसकी वायर अंदर होती है खोल कर सिंपली से निकाल के अपने घर भी रख सकते हो उसके अंदर, और कैमरा दिखा दूँ कैसे इधर आइए, ये देखिए एक कैमरा इसका ये रहा यहाँ पर जो देखने मिलेगा, एक कैमरा मिलेगा आपको बैक साइड, कैमरा मिलेगा आपको इस तरफ, दो कैमरास इसके अंदर जो कि इंस्टॉल कर दिए गए इसके अंदर, और अब मैं दिखाता हूँ इसके बाकी मॉडिफिकेशन और क्या क्या इसके अंदर हुआ है, इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं, ये इसका फॉक्स रेडर जो कि लगा दिए गए, इससे इसकी लुक भी नहीं हो जाती है, साथ में ना इससे इसके डिस्प्ले और नीचे का शॉकर ये होता है प्रोसेस सेफ, इस तरफ भी दोनों तरफ सेफ हो जाएगा, इधर आपको देखने मिलेगी फॉग लैंप जो कि लगा देगा HJ ओरिजिनल, चाबी ऑन करके रोशनी भी चेकआउट कराए तो कैसी होती है, ये देखिए ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया येलो वाइट, ये आपका हो गया रेड जो कि ब्लिंकर है, और ब्लिंकर इसके अंदर सबके अंदर ही है जो कि मिल जाएगा आपको, रेड में मिलता है ब्लिंकर, ये इसके पैटर्न इसके अंदर देखने मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, और साथ में ना इसमें हॉर्न भी लगा दे गए हैं क्योंकि इसके वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा वाहियात होते हैं, वैसे तो एग्जॉस्ट लगने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, बट इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं इसके ओरिजिनल हेला के इसके अंदर हॉर्न जो कि साउंड काफ़ी तेज़ है उसकी, और इधर आपको देखने मिल जाएगा लीवर जो कि मिलता है फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग लीवर है जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इससे लुक भी नहीं होती, साथ में ना काफ़ी कंफर्टेबल होती है राइड, क्योंकि इसको आप जैसे मर्जी अप एंड डाउन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इधर भी सेम मिलता है आपको इस तरफ भी देख सकते हैं, दोनों तरफ है आपका एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग, और इसके बाद आपको दिखाने देखने मिलेगा इसके अंदर इवोटेक की ओरिजिनल इसके अंदर मिलती है रेडिएटर गार्ड जो कि देख सकते हैं ये लगा दी गई है इसके अंदर, इससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ, फुल सेफ है रेडिएटर, जब भी गाड़ी राइड करते हो ना तो राइड करने के बाद क्या होता है पत्थर वगैरह कुछ भी इसके अंदर लगता है ना तो रेडिएटर बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है जिसे आपको कंट्रोल करता है इसके टूटने से ख़राब होने से, तो वो ख़राब होगा तो मतलब गाड़ी आपकी डैमेज हो जाएगी और वहाँ पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी जाम हो जाती है फिर स्टार्ट नहीं होती है, और इसके बाद आपको देखने लगेगा इसके अंदर इवोटेक के मिल जाते हैं आपको इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर, देख सकते हैं इवोटेक के हैं जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी गिरने से आपका TPFC टैंक और खुद के लैग्स ये होते हैं आपके डैमेज, तो उनको सेव करने के लगा देंगे दोनों तरफ, देख सकते हैं आपको इधर भी सेम मिलेगा उस तरफ, और नीचे आपको देखेंगे साइड स्टैंड जैकेट
जीनोस्तो की ब्रांडिंग है, ये भी इसके इंस्टॉल कर दी गई है, देख सकते हैं। इससे आपकी स्टेबल खड़ी रहेगी आपकी बाइक। और इधर आपको मिलता है चेन कवर, जो कि मिलता है आपको पूरा CNC का है, जो इसमें लगा होता है प्लास्टिक का होता है वो हटा देगा और ये लगा देगा। इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग है जीनोस्तो की, कोई जुगाड़ नहीं इसके अंदर। और बैक साइड में मिलेंगे इसके स्पूल्स, लुक चेक कर लो। इसे स्पूल्स लगाने से आपकी गाड़ी को कभी भी खड़ी करना हो ना तो पेडॉक लगा के इजीली ये खड़ी हो सकती है। और इसके इधर आइए, इस तरफ इधर आपको देख मिलेगी मास्टर लेंटर कैप, एक मिलते हैं आपको इस तरफ, एक मिलते हैं आपको इस तरफ। दो रियर मास्टर लेंटर कैप हैं जो किसी ने इंस्टॉल कर दिए हैं। इसे लगाने से जो प्लास्टिक का पार्ट है ना आपका, ये डैमेज होने से बच जाता है पीछे का आपको। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं ऑयल फिल्टर कवर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये भी आपको होता है मेटल का, जो किसी ने इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी एग्जॉस्ट इसमें लगना बाकी है, वो लगेगा बाद में, जब भी दिखाएंगे। और साथ में आपको देखने मिलेगी जीनोस्तो की ब्रांडिंग का आपको मिल जाता थाई पैड्स, जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल। इससे आपका टैंक वगैरह होता है पूरी तरह सेफ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो ब्लॉग बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। राजभाई स्टडी को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। राजभाई स्टडी को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी और सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम।